हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अंकित शर्मा इन्फिनिटी क्लासेस में आप सब लोगों का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। और सबसे पहले हम और आप लोग मिल करके परम आदरणीय श्री गुरु जी श्री जितेंद्र जी का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने इस जो लेक्चर है, इस टॉपिक को जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करने वाले हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। स्टैट्यूट्स यानी कि संविधियों की जो व्याख्या है या निर्वचन है या अर्थान्वयन है, उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है निर्वचन, अर्थान्वयन या व्याख्या। एंड स्टैट्यूट्स का मतलब होता है हमारा विधि, कानून। ठीक है, अब दो बात मैं आपको बता दूं कि जो इन्फिनिटी क्लासेस है, हमारी एकमात्र ऐसा चैनल है जो आप लोगों को हिंदी में क्लासेस प्रोवाइड कराता है। और निवेदन ये है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट, लाइक, सब्सक्रिप्शन प्रदान करें ताकि हम लोगों को एनर्जी मिलती रहे। ठीक है, तो अभी हम लोग समझते हैं जो स्टैट्यूट्स होता है, स्टैट्यूट्स क्या होता है हमारा। तो सर, स्टैट्यूट्स मीन्स होता है हमारा संविधि, क्योंकि इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं किस चीज़ का, क्योंकि दो वर्ड यहाँ पे लिखे गए हैं तो इंटरप्रिटेशन लिखा हुआ है। किस लिखा हुआ है? स्टैट्यूट्स। तो सबसे पहले हम स्टैट्यूट्स की बात करेंगे। स्टैट्यूट्स यानी कि संविधि या विधि, ये आती कैसे है, बनती कैसे है, एनफोर्स में कैसे आती है, क्या इसका काम होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये हमारा। इसके अंदर में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के अंदर में 13 चैप्टर हैं, तो आज हम नंबर 1 चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो बेहद ध्यान से देखने की जरूरत है। तो लेजिस्लेशन का मतलब होता है विधायिका, यानी कि जो विधि का निर्माण करती है, टू मेक द लॉज, जो विधि का निर्माण करने का कार्य करती है, उस शक्ति को हम विधायिका कहते हैं। एंड दोस्तों, जो विधि बन गई है, जो कानून विधायिका द्वारा निर्मित किए गए हैं, उन कानूनों का जो है अनुपालन, यानी कि उनको एनफोर्स में लाने का जो कार्य करती है, वो करती है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव को हम हिंदी में कहते हैं कार्यपालिका। जो कार्यपालिका होती है वो हमारी क्या काम करती है? कार्यपालिका जो काम करती है, वो करती है हमारा जो कानून विधि द्वारा बनाए गए हैं, उन कानूनों को लोगों पर एनफोर्स कराना, और जो लोग कानूनों को नहीं मानते उनके लिए एक चीज है हमारे पास, वो है जुडिशियरी। जुडिशियरी यानी कि न्यायपालिका। जो लोग कानूनों को तोड़ते हैं, उनको तोड़ने के लिए जुडिशियरी हमारे पास अवेलेबल है। इसके अंदर में सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एंड सब कोर्ट्स, जैसे सिविल कोर्ट्स वगैरह होते हैं। जो लोग नहीं मानते कानूनों को या किसी के राइट्स को इंफ्रिंचमेंट करते हैं, उन सभी के लिए हमारा जो काम करती है, वो करती है जुडिशियरी। तो ये हमने समझ में आया स्टैट्यूट्स क्या होता है। स्टैट्यूट्स चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, या एक आम नागरिक हो, प्रत्येक व्यक्ति पर ये बंधनकारी होती है। प्रत्येक व्यक्ति पर जो स्टैट्यूट्स है वो बंधनकारी होगा, ये ध्यान देने की बेहद जरूरत है। और अब हम बात करेंगे इंटरप्रिटेशन के बारे में। दोस्तों, इंटरप्रिटेशन होता क्या है? इंटरप्रिटेशन होता है निर्वचन, अर्थान्वयन या व्याख्या, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है निर्वचन, अर्थान्वयन या व्याख्या। तो जैसे कि दो वर्ड थे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, स्टैट्यूट्स आपने क्लियर किया। अब हम लोग बात करते हैं इंटरप्रिटेशन की, यानी कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि निर्वचन, अर्थान्वयन और व्याख्या, यानी कि वो चीजें, वो कानून जो सही अर्थों को स्पष्ट कर चुके हैं या जो सही अर्थों को स्पष्ट कर सकते हैं, केवल उन्हीं का प्रयोग किया जाना चाहिए। लीजिए एक उदाहरण आपके सामने पेश करते हैं। अभी हम लोग कहते हैं कि आकाश का रंग नीला है। अभी आकाश एक व्यक्ति का नाम है जो आपके सामने खड़ा है, आपके सामने एक लड़का खड़ा है जिसका नाम है आकाश। अभी आप कहोगे कि यार इसका तो रंग नीला नहीं है। अब माइंड लगाओ, ऊपर देखो, आकाश का रंग नीला है भाई। तो यानी कि जो सही अर्थ है उसको यूज करना ही इंटरप्रिटेशन कहलाता है। इंटरप्रिटेशन यानी निर्वचन, अर्थान्वयन या व्याख्या। एक उदाहरण और लेते हैं। अभी हम लोग कोई गाना है शाहरुख खान की, शायद मूवी है, मैं मूवी वगैरह ज्यादा देखता नहीं हूँ, कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता कमल। जैसे, अरे भाई, खिलता कमल का वो लड़की है, उसको लड़की के रूप में ही प्रयुक्त किया जाए ना जो शब्द है। अब वहां लड़की के स्थान पर हम लोग क्या प्रयोग कर रहे हैं, वहां पर कमल का प्रयोग कर दिया।
गजल का प्रयोग कर दिया, तो कैसे गजल और कैसे कमल का प्रयोग करेंगे। लेकिन हमने जो व्याख्या करनी है, जिस चीज को यूज करना है, वहां पे उसको लड़की के रूप में ही उस शब्द को प्रयोग करना है, यानी कि शब्दों को तोड़कर मरोड़कर पेश ना करके जो उसकी आत्मा है उसको सामने लाना, ताकि न्याय नैसर्गिक हो सके, ये हमारा इंटरप्रिटेशन कहलाता है। दरअसल अभी आपको समझ में आया होगा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट्स, पहले यही समझना बड़ी बात होती है। हालांकि जो इंटरप्रिटेशन है, इंटरप्रिटेशन को जो है ये बताता है कि जो विधि द्वारा, जो पार्लियामेंट के द्वारा, संसद द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, जो आशय संसद का है कानून बनाने को लेकर के न्यायालय उस आशय को प्राप्त करे, उस आशय को जनता पर आरोपित करे, या जो भी हमारे लॉज हैं उनको वहां पर इंप्लीमेंट करने का कार्य जो है न्यायपालिका करे। ठीक है, तो ये हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट्स हुआ। ये होने के बाद में हम चलते हैं, जैसे दो वर्ड मैंने यहां पे दिए हैं इंटरप्रिटेशन को, एक तो निर्वचन दिया है और एक अर्थान्वयन दिया है। तो जो निर्वचन और अर्थान्वयन है वो क्या है, दोनों को मैं अर्थ बता देता हूं। अगर प्राकृतिक अर्थों में वास्तविक और सत्य का स्वरूप का निर्धारण करता है, यानी कि प्राकृतिक अर्थों में वास्तविक और सत्य स्वरूप का निर्धारण करना हमारा निर्वचन कहलाता है। और इसके अलावा जो अधिनियम द्वारा दिए गए शब्द हैं उनसे बाहर जा करके, यानी कि अधिनियमित शब्दों से बाहर जाकर के आत्मा के आधार पर उसको सही अर्थ जानने की जो प्रक्रिया होती है वो हमारी अर्थान्वयन कहलाती है। तो समझे कि निर्वचन और अर्थान्वयन में क्या मतलब है, कि वास्तविक और सत्य स्वरूप का निर्धारण हो गया निर्वचन, और आत्मा के आधार पर सही अर्थों को जानने की प्रक्रिया होती है हमारी अर्थान्वयन। लेकिन जो विधि है, यानी कि जो स्टैट्यूट्स है, स्टैट्यूट्स के अंदर में दोनों को समान अर्थों में प्रयोग किया जाएगा, दोनों को एक ही स्थान पर समान अर्थों में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे जो ये कानून है, यानी कि जो निर्वचन है, निर्वचन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या जरूरत है निर्वचन की। देखिए, निर्वचन के सिद्धांतों के द्वारा जो हार्ड होते हैं, कठिन वर्ड होते हैं जो कानून के, उनको सरल शब्दों में समझाया जा सकता है, और न्यायालय मुकदमों को निर्णित करने पर जो वादकारियों को शीघ्र और निष्पक्ष न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कुछ वर्ड हार्ड होते हैं उनको निर्वचन के इंटरप्रिटेशन की हेल्प से इजीली लाया जाता है और न्यायालय उसको निष्पक्ष और शीघ्र न्याय करता है। यानी कि निर्वचन की आवश्यकता क्यों होती है, शीघ्र और निष्पक्ष न्याय के लिए, क्योंकि न्यायालयों का एक आशय होता है कि कठिन शब्दों को इस प्रकार से अर्थान्वित किया जाए, यानी कि इंटरप्रिटेट किया जाए, कि कानून की आत्मा में कोई परिवर्तन ना हो और न्यायालय का कार्य भी सफल हो जाए, जिससे न्याय जो वादकारी है उन्हें भी ये लगे कि भैया ठीक है अब तुम्हारा जो कार्य है वो सरलता से हो गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों कानूनों की जो विशिष्टियां हैं उनके बारे में, जो कानूनों की विशिष्टियां होती है वो क्या होती है। इसके लिए मैं बता दूं आपको, एक जो टेबल है जो मैं बोलने जा रहा हूं यहां पे मैं स्क्रीन पे लगा देता हूं। चलिए अब चलते हैं दोस्तों अपना कानून की विशिष्टियों के बारे में। जैसे कि कानून की जो विशिष्टियां होती है उसमें कौन कौन सी चीजें होती है, इनकी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्यूट्स क्या होते हैं, उनमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं सामने स्क्रीन पे कि उद्देशिका या प्रस्तावना, यानी कि प्रियम्बल, प्रियम्बल बताती है कि ये जो स्टेट्यूट्स होता है, जो कानून होता है, इसका क्या उद्देश्य है। ठीक है, दूसरा बताती है संक्षिप्त नाम या लघु शीर्षक, यानी कि जो शॉर्ट टाइटल होता है वो क्या है। थर्ड पॉइंट इज विस्तृत नाम और दीर्घ शीर्षक, यानी कि इसको विस्तृत अर्थों में कैसे प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि लॉन्ग टाइटल के बारे में ये बात करती है। उसके बाद बात करती है दोस्तों पार्श्व टिप्पणी के बारे में, यानी कि जो मार्जिनल नोट्स होते हैं उसके बारे में, अगर कोई कानून ऐसा है जिसके बारे में अलग से कुछ कहा जा सकता है तो वहां पर मार्जिनल टिप्पणी या वो कहां से कानून लिया गया है वो लिखा जाता है। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है धाराओं के जो शीर्षक होते हैं, इनके हेडिंग ऑफ जो हेडिंग ऑफ सेक्शंस होते हैं, जो धाराओं के शीर्षक वो क्या होते हैं। फिर छठे पॉइंट में हमारा आता है उदाहरण या दृष्टांत, यानी कि इलस्ट्रेशंस, यानी किसी उदाहरण के सहायता से उसको हल करना मामले को,
मामले की सुनवाई कर लेना। अगली बात दोस्तों हमारी आती परिभाषाएं या निर्वचन खंड, यानी कि डेफिनेशन और इंटरप्रिटेशन क्लॉज। जो हमारे अगला पॉइंट है वो आता है हमारा परंतु, यानी कि प्रोविजो। अगला पॉइंट हमारा होता है अपवाद या व्यवर्ती खंड, यानी कि एक्सेप्शंस एंड सेविंग क्लॉज। जो कानून के अंदर में एक्सेप्शंस एंड सेविंग क्लॉजेस होती है वो इसके अंदर में आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारा 10th पॉइंट जो हमारा होता है वो होता है हमारा शेड्यूल, यानी के अनुसूची। और 11th पॉइंट हमारा होता है स्पष्टीकरण, यानी के एक्सप्लेनेशन। और 12th पॉइंट हमारा होता है पंक्चुएशंस, यानी के विराम चिन्ह। मान ले अगर विराम चिन्हों का प्रयोग उचित प्रकार से नहीं किया जाता तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, और अर्थ के अनर्थ को रोकने के लिए ही इंटरप्रिटेशन की जरूरत होती है, यानी कि इंटरप्रिटेशन को सही अर्थों में प्रयुक्त किया जाना चाहिए। यही इसका नियम है, यही इसका सिद्धांत है। तो दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे कानून के वर्गीकरण के बारे में, ठीक है। तो अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कानूनों का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो चार प्रकार से किया गया है। पहला किया गया है ढंग के आधार पर, ठीक है, यानी के ऑन द बेसिस ऑफ स्टैट्यूट्स। अगला उद्देश्य के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तीसरा अवधि के आधार पर, यानी के ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड्स। एंड नेक्स्ट यानी के लागू होने की सीमा के आधार पर, यानी के ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्समेंट, ठीक है। अब पहला जैसे हम बात कर रहे हैं कि ढंग के आधार पर, जैसे ढंग के आधार पर दो तरह के दिए गए हैं। जैसे पहला यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि आज्ञापक, आदेशात्मक या बाध्यकर, यानी कि इंपेरेटिव ऑब्लिगेटरी स्टैट्यूट्स, ठीक है। जो कानून होते हैं वो आज्ञापक होते हैं, आदेशात्मक होते हैं या बाध्यकर होते हैं। जैसे कुछ विशेष काम होते हैं उनको करने के लिए जो कानून होते हैं, जो बाध्यकारी होते हैं, उन्हीं को हम लोग जो है इंपेरेटिव या ऑब्लिगेटरी स्टैट्यूट बोलते हैं। अगला बात होता है दोस्तों निदेशात्मक, यानी के अनुमति बोधक कानून, यानी के डायरेक्टरी और परमिसिव स्टैट्यूट्स। ये जो स्टैट्यूट्स होते हैं, ये हमारे कौन से स्टैट्यूट्स होते हैं, ये हमारे जो स्टैट्यूट्स होते हैं ये होते हैं हमारे जो किसी कार्य को करने का निर्देश देते हैं, लेकिन ये उनको बाध्य नहीं करते कि आप ये काम करने ही करने हैं। जैसे किन्हीं मामलों में क्या होता है, पुलिस किसी को मजबूर नहीं कर सकती कि आप गवाही दें, ठीक है, ये बाध्य नहीं कर सकते, ठीक है, केवल निर्देश दे सकते हैं कि आप गवाही दे सकते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा दोस्तों होता है कि उद्देश्य के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो उद्देश्य के आधार पर हमारे जो कानून है वो 12 प्रकार के बताए गए हैं। जैसे कि पहला है संहिताकारी, कोडिफाइंग लॉज जो होता है, कोडिफाइंग जो स्टैट्यूट्स होते हैं इसके अंदर में, जैसे सीपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, ये कोडिफाइंग आते हैं उद्देश्य के आधार पर, जिनका उद्देश्य क्या होता है भाई। सीपीसी का उद्देश्य क्या होता है, सीआरपीसी का उद्देश्य क्या होता है, दंडों को, आईपीसी का उद्देश्य क्या होता है, जो कोड आते हैं कोडिफाइंग होते हैं इसके अंदर में, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे दोस्तों समेकनकारी, समेकनकारी यानी कि कंसोलिडेटिंग जो लॉज होते हैं, कंसोलिडेटिंग, उनके बारे में ही हम बात कर रहे हैं। जो कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट्स होता है, समेकनकारी जो स्टैट्यूट्स होता है, वो किसी विशिष्ट विषय को एक स्थान पर केंद्रित करने का कार्य करता है। अगर जरूरत पड़ती है तो समय समय पर इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, ठीक है। अगली बात होती है दोस्तों हमारी घोषणात्मक कानून, यानी कि डिक्लेरेटरी स्टैट्यूट्स। घोषणात्मक कानून के अंदर में क्या होता है, जो घोषणात्मक कानून होता है, डिक्लेरेटरी स्टैट्यूट्स होता है, वो जो सामान्य या कानूनी विधि के जो संदेह होते हैं उनको दूर करने का कार्य करता है, जो डाउट्स होते हैं उनको दूर करने का काम करता है। जहां कहीं किसी मामले को यानी कि उसके रिजल्ट पर ना पहुंचा जाता हो तो वहां पर डिक्लेरेटरी स्टैट्यूट की सहायता ली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो है होता है हमारा समर्थनकारी कानून, यानी कि एनेबलिंग स्टैट्यूट्स। एनेबलिंग स्टैट्यूट्स होता क्या है, ये जो कानून होता है उस कॉमन लॉ का, जहां पर वो मतलब बहुत शॉर्ट है, उसको एक्सटेंड करता है, यानी कि संकुचित रूप है जो इस कानून का, उसका विस्तार करता है, यानी कि समर्थन करता है। समर्थनकारी कानून से ही आप समझ रहे हैं कि जो समर्थन किसी कानून का करता है। ये जो कानून है किसी या किसी अवैध कार्य को वैध बनाने का कार्य करता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट लेकर के कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब तक ये आपको क्लियर ना हो जाए, जब तक आप इसको समझ ना लें। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा दंड कानून। दंड कानून यानी कि पीनल स्टैट्यूट्स। पीनल स्टैट्यूट्स क्या करता है, अगर
कानून के से रिलेटेड किसी ने कोई व्यक्ति की है, कोई गलती की है, कोई त्रुटि की है, तो उन लोगों को दंडित करने का ये कार्य करता है। ठीक है, जैसे हमारा भारतीय दंड संहिता 1860 हो गया, या आयुध अधिनियम 1959 हो गया, या दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से कार्य करता है। अगली बात बात करते हैं दोस्तों हम उपचारी कानून की। उपचारी कानून यानी कि रेमेडियल स्टैट्यूट्स। जो उपचारी कानून होता है यानी कि ये पीड़ित व्यक्ति को रेमेडी प्रदान करता है, जो व्यक्ति पीड़ित होता है उसको उपचार का जो है प्रदान करता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम दोस्तों असमर्थनकारी कानून के बारे में, यानी कि डिसेबलिंग स्टैट्यूट्स के बारे में। जो डिसेबलिंग स्टैट्यूट होता है ये क्या होता है कि इस कानून का जो इस कानून को निशक्तकारी कानून भी कहते हैं। ये कानून सामान्य विधि के अंतर्गत प्राप्त अधिकार को प्रतिबंधित या समाप्त कर देता है। जो कानून के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं पावर्स उनको ये प्रतिबंधित करता है। अगली बात हम बात करेंगे दोस्तों टैक्सिंग और फिस्कल स्टैट्यूट्स। जो हमारा कर कानून होता है उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। ये कानून आय या कुछ निश्चित व्यवहारों पर कर को आरोपित करता है, अधिरोपित करता है। इस कानून का उद्देश्य सरकार के लिए राजस्व को इकट्ठा करना होता है। जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू को कलेक्ट करना है। इस कानून का टैक्स कानून का टैक्सिंग का या फिस्कल स्टैट्यूट्स का जो है उद्देश्य एकमात्र ये होता है। ठीक है, अगला इसी क्रम में आप देख पा रहे होंगे सामने कि संशोधनकारी कानून होता है। संशोधनकारी कानून यानी कि अमेंडिंग स्टैट्यूट्स। अमेंडिंग स्टैट्यूट्स का मतलब होता है जो कानून मूल रूप से पारित किया गया है उसमें कुछ जोड़ना, कुछ घटाना, यानी कि संशोधन करने का काम करता है, नाम ही इसका संशोधनकारी कानून है। ठीक है, अगला होता है रिपीलिंग स्टैट्यूट्स यानी कि निरसनकारी कानून जो होता है। ये निरसनकारी जो कानून होता है क्या करता है, रिपील करता है कानूनों का, निरसन करता है। ठीक है, इसके बाद होता है हमारा एक्सप्लेनेटरी स्टैट्यूट यानी कि जो व्याख्यात्मक कानून होता है उसके बारे में बात कर रहा है कि ये जो कानून होता है व्याख्यात्मक कानून होता है कानून की व्याख्या करने का कार्य करता है। अगर मान लिया किसी एक पॉइंट पर किसी कानून का लोप हो जाता है, किसी पॉइंट ऑफ व्यू का लोप हो जाता है, तो वहां पर ये उनकी सहायता करता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगले पॉइंट की, हमारे विधि मान्यकारी कानून यानी कि वैलिडेटिंग स्टैट्यूट। जो वैलिडेटिंग स्टैट्यूट होता है इसे आरोग्यकारी कानून भी कहते हैं, यानी कि क्यूरेटिव। आरोग्यकारी कानून का मतलब होता है क्यूरेटिव कानून भी इसको कहते हैं। ये वैसे विधि मान्यकारी कानून इसको बोला जाता है, वैलिडेटिंग स्टैट्यूट या क्यूरेटिव स्टैट्यूट भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जो कानून होता है पूर्व विधि में स्थित दोष को दूर करने या विधिक प्रक्रिया को विधि मान्य बनाने के लिए लोक या निजी प्रशासनिक प्राधिकारियों के कार्यों को विधि मान्यता प्रदान करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो ये हमने दो पढ़े। अब हम बात करेंगे दोस्तों तीसरे के बारे में, जो हमारा है अवधि के आधार पर वर्गीकरण। जो क्लासिफिकेशन की हम यहाँ पर बात कर रहे थे स्टैट्यूट्स के कानून के वर्गीकरण के बारे में, तो यहाँ पर हम जो बात करेंगे अवधि के आधार पर करेंगे। ये कानून जो होते हैं अवधि के आधार पर ऐसे होते हैं, कुछ तो स्थायी हो जाते हैं, ये है ना, कुछ मतलब परमानेंट हो जाते हैं, कुछ टेम्परेरी होते हैं। ये कानून ऐसे होते हैं क्योंकि कुछ समय तक लगाए जाते हैं। जैसे इसमें एक बात करेंगे, सबसे पहले अस्थायी जो कानून होता है ये बात करता है कानून की वैधता के समय के बारे में कि ये कानून इतने समय तक वैध रहेगा, उसके बाद ये मतलब निश्चित समय को पूर्ण करने के बाद में कानून हट जाएगा। जैसे धारा 144 होती है वो एक निश्चित समय के लिए लगाई जाती है, उसको बाद में हटा दिया जाता है कि एक जगह एक समूह में लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। ठीक है, उसके बाद होता है स्थायी कानून। स्थायी कानून में समय की जो सीमा है वो निश्चित नहीं की जाती। इसके ये जो कानून है जैसे आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, इसमें समय सीमा निश्चित थोड़े ना है, तो ये स्थायी कानून हो जाता है। ये अवधि के आधार पर कानून बनाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स हमारी अगली कि लागू होने की सीमा के आधार पर वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि कानून ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है हमारा पब्लिक स्टैट्यूट्स यानी कि लोक या सार्वजनिक कानून। जो लोक या सार्वजनिक कानून होता है ये कानून ऐसे होते हैं जिनकी प्रकृति सामान्य, स्थानीय या व्यक्तिक हो सकती है। जिनकी जो प्रकृति होती है सामान्य होती है, स्थानीय होती है, ये हमारे पब्लिक कानून कहलाते हैं, पब्लिक स्टैट्यूट कहलाते हैं। दूसरा आप देख पा रहे हैं कि निजी या व्यक्तिगत कानून यानी कि प्राइवेट स्टैट्यूट।
के बारे में बात करें। जो प्राइवेट स्टैट्यूट होता है, ये है वो स्टैट्यूट होता है जो हमारा व्यक्तिगत मामलों या व्यक्तिगत आलोक से रिलेटेड होता है, यानी कि किसी नाम ही इसका प्राइवेट कानून है भाई। तो प्राइवेट कानून से मतलब व्यक्तिगत चीजों पर जो ये अपना अधिकार जमाता है, ये हमारा होता है कि प्राइवेट कानून, यानी कि प्राइवेट स्टैट्यूट। ठीक है, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अपने अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा होता है कि जो संवैधानिक निर्वचन होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, यानी ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या होता है। अब तक आपने पढ़ा कि कानून को सही अर्थों में प्रयोग करना ही इंटरप्रिटेशन होता है, ठीक है, और संविधि का सही रूप आत्मा के आधार पर या उसको जो कानूनी शब्द है उनको हटा करके, तो ये सारी चीजें आपने पढ़ी। तो लिहाजा ये बात समझने योग्य हो गई है इतना जानने के बाद कि जो सांविधिक निर्वचन है, यानी कि जो इंटरप्रिटेशन है, उसका उद्देश्य क्या है। तो अभी थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि एक चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट करना है यहाँ पर। तो न्याय का जो उद्देश्य है, सांविधिक निर्वचन के माध्यम से न्याय प्रदान करना होता है, यानी कि न्याय का उद्देश्य सांविधिक निर्वचन के माध्यम से न्याय प्रदान करना है, और निर्वचन का मुख्य उद्देश्य विधि निर्माताओं का आशय ढूंढा। जो विधि निर्माताएं हैं, जिन्होंने विधि को निर्मित किया है, उनके आशय को ढूंढना माना गया है निर्वचन का मेन ऑब्जेक्टिव, यानी कि इंटरप्रिटेशन का मेन ऑब्जेक्टिव तो ये है कि विधि निर्माताओं के आशय को ढूंढना। ठीक है, अब बात करेंगे जो संविधि है, संविधि का निर्वचन निर्माताओं के आशय के अनुरूप होना चाहिए। जो संविधि का निर्वचन है वो निर्माताओं के आशय के अनुरूप होना चाहिए। अगर उसके अनुरूप नहीं रहेगा तो उस निर्वचन का कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं बन पाएगा। यहाँ पर एक विधि विशेषज्ञ है लैंडिस, जिनका नाम है, उन्होंने आशय का प्रयोग दो अर्थों में किया है। एक तो आशित वो अर्थ है, यानी कि इंटेंडेड अर्थ है, यानी कि जैसे कि मैंने पहले बताया उसको आशित अर्थ, और दूसरा बताया दोस्तों पर्पस, यानी कि उद्देश्य, यानी कि एक छोर पर संवैधानिक शब्दों को सरल और सही अर्थ माना जाना चाहिए, जिसका जो मेन सार है वो ये है, किसी छोर पर जो संवैधानिक शब्द है उनको सरल और सही अर्थों में माना जाना चाहिए। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे दोस्तों निर्वचन की जो सीमाएं हैं वो क्या है। जो निर्वचन की सीमाएं हैं, जो संवैधानिक निर्वचन है, जो इंटरप्रिटेशन है, उनकी जो लिमिटेशंस है वो क्या है, उनको जानने के लिए हम एक केस लॉ लेते हैं जिसका नाम है अर्जुन सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, यानी कि अर्जुन सिंह बनाम पंजाब राज्य। तो भाई इस केस में ये कहा गया था अर्जुन सिंह बनाम यूनियन ऑफ सॉरी स्टेट ऑफ पंजाब, इस केस में ये कहा गया था कि जैसे कि आप जानते हैं कि विधि का निर्माण करने का जो अधिकार होता है वो विधानमंडल के पास होता है, लेजिस्लेशन के पास होता है। ठीक है, तो इसमें इस केस में अर्जुन सिंह बनाम पंजाब राज्य में ये कहा गया था कि उच्चतम न्यायालय ने जो बताया था, ये कहा था कि कोई भी अधिनियमित कानून है उसकी किसी धारा में अगर कोई भूल हो गई है तो उसमें सुधार करने का जो अधिकार होता है वो विधानमंडल के पास ही होता है। यानी कि कानून की किसी धारा में कोई त्रुटि या कोई कमी रह जाए या कोई भूल हो जाए, उसमें जो सुधार है केवल विधानमंडल ही कर सकता है। निर्वचन के माध्यम से न्यायालय द्वारा ऐसा करना अनुचित नहीं है, यानी कि न्यायालय ऐसा नहीं कर पाएगा, यानी कि उसके अंदर में कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर पाएगा। ये हमारा कहा गया था अर्जुन सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के केस में। क्या कहा गया था कि अगर किसी धारा में, किसी कानून में कोई भूल हो गई है तो उसमें सुधार करने का अधिकार जिसने उसको बनाया है, विधानमंडल ने बनाया, तो भैया विधानमंडल इसको जो है क्या करेगा, उसमें संशोधन कर सकता है, इसके अलावा न्यायालय नहीं करेगा। ठीक है, कहने का मतलब इस चीज से आप क्या समझते हैं कि जो विधानमंडल द्वारा जिस कानून बनाया गया है, जिस आशय से बनाया गया है, उस ही आशय की प्राप्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे कि एक और केस हम लोग ले लेते हैं विजय लक्ष्मा बनाम बीटी शंकर, विजय लक्ष्मा बनाम बीटी शंकर। तो इस केस में क्या हुआ था कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत अर्थान्वयन में दलील दी गई थी क्या कि जिस तरह से धारा 7 में पुरुष दत्तक ग्रहण करने में पत्नी या पत्नियों जैसी भी स्थितियों, अगर किसी व्यक्ति की एक पत्नी है या एक से अधिक है,
उनकी सम्मति जरूरी है, धारा 7। और उसी तरह से धारा 8 में महिला द्वारा, पहले में क्या था, कोई पुरुष दत्तक ग्रहण कर रहा था तो अपनी पत्नियों से परमिशन लेगा कि मैं इसको गोद ले लूं, और धारा 8 में अगर कोई महिला जो है दत्तक ग्रहण करती है, किसी को दत्तक पुत्र या दत्तक पुत्री के रूप में स्वीकार करती है, तो उस स्थिति में जो पति की जो सम्मति है वो जरूरी होती है, उसको आवश्यक माना जाना चाहिए। तो इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय देते हुए, जो सुप्रीम कोर्ट जज थे, मतलब मैजिस्ट्रेट दोराई स्वामी राजू, जो दोराई स्वामी राजू थे, उन्होंने संविधि के उपबंधों में कुछ पढ़कर छोड़ दिया गया था, क्योंकि वो चीज जो है विधानमंडल द्वारा आश्रित नहीं थी, ये कहते हुए उन्होंने जानबूझकर छोड़ दिया, क्योंकि जो चीज विधानमंडल द्वारा आश्रित नहीं है, जिस चीज का मतलब विधानमंडल द्वारा नहीं समझाया गया है, उस चीज पे हम लोग कोई निर्णय नहीं दे सकते, हमें निर्णय देने का अधिकार वही है, क्योंकि इसमें विधानमंडल के आशय को शामिल किया जाना अनिवार्य है। तो कहने का मतलब दोस्तों, अभी हमने जो इसकी सीमाएं पढ़ी, सीमाएं ये है कि जो विधानमंडल है, विधानमंडल द्वारा कोई कानून अगर बनाया गया है तो उसके आशय तक ही सीमित रहकर उस कानून को अनुपालन, उस कानून का अनुपालन करना ही हमारा, इसकी सीमाएं हैं। दो केसेस में हमने ये पढ़े हैं, तो आशा करता हूं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा अब तक। तो दोस्तों इसी क्रम को अब थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। दरअसल में टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट और मजा आ रहा है पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी, तो कुल मिला के आपको भी मजा आ जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे जो सांवैधानिक निर्वचन की विशिष्टता और निर्वचन के नियमों की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, यानी कि इंपॉर्टेंस एंड नेचर ऑफ रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, यानी कि इसका जो नेचर है और इसकी जो विशिष्टता है उनके बारे में हम लोग बात करते जा रहे हैं। देखिए, वर्तमान समय में मानव और राज्य व्यवहारों को जो विनियमित करने का सर्व प्रमुख साधन संविधि है, यानी कि स्टेट्यूट है। जो आज का जो समय है मनुष्य में और राज्य के जो व्यवहार में, उनमें जो बैलेंस करने का जो प्रमुख साधन है वो संविधि है, कि आप विधि के अनुसार कार्य करें, ठीक है। लेकिन विधायिका का कार्य, जो विधायिका का जो कार्य है, संविधि पारित करने के बाद खत्म हो जाता है। जो विधायिका का कार्य है, वो विधायिका ने संविधि बनाई और काम खत्म। अब संविधि के माध्यम से सामान्य और सूक्ष्म नियमों को विशिष्ट मामलों में लागू करने का दायित्व न्यायालय पर छोड़ दिया जाता है, कि अब माननीय न्यायालय जो संविधि बनाई गई है उसको सूक्ष्म या विशिष्ट मामलों में उसको लागू कराए। तो अब इसमें हम बात करेंगे, जैसे कि हमने बताया संविधिक निर्वचन एवं अन्य विधिक स्रोतों में अंतर क्या होता है। देखिए, जो संविधिक निर्वचन है, संविधिक निर्वचन की कुछ सीमाएं होती हैं, जैसे कि मैंने इससे पिछले वाले मामले में बताया था, इससे पिछले टॉपिक में बताया था कि जो संविधिक निर्वचन है उसकी सीमा ये है कि जहां तक कि विधानमंडल का आशय प्रकट होता हो वहां तक न्यायपालिका जो है कार्य करे, ठीक है। जबकि जो अन्य विधिक स्रोत है उनके लिए ऐसी कोई भी कंडीशंस अप्लाई नहीं है। कहने का मतलब, जैसे आईपीसी है, सीआरपीसी है, सीपीसी है, जो लॉज ये बनाए गए हैं ये सर्वोच्च हैं, यानी के इन पर किसी का नियंत्रण नहीं है, चाहे वो स्टेट हो, सेंटर हो या आम आदमी हो, ये सभी पर समान रूप से कार्य करेंगे। कहने का मतलब ये सभी पर बंधनकारी हैं, और जबकि सांवैधानिक निर्वचन जो है, यानी कि इंटरप्रिटेशन जो है, वो बंधनकारी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि उसमें कई बार बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनके आधार पर निर्णय देना उचित नहीं होता, ठीक है। तो इन दोनों में मेन अंतर क्या है कि जो सांवैधानिक निर्वचन है, यानी कि इंटरप्रिटेशन है, वो बाध्यकारी, मतलब कुछ मामलों में वो बाध्यकारी होता है लेकिन सभी मामलों में बाध्यकारी नहीं हो सकता। और जो अन्य विधिक स्रोत हैं, जैसे कि आईपीसी, सीआरपीसी वगैरह बताया, वो सभी सबसे ऊपर है, यानी कि विधि निर्माण का जो है अभिन्न अंग है, वो सब पर लागू होता है। हाँ, अगर संविधिक निर्वचन की अगर हम बात करेंगे कि इंटरप्रिटेशन में अगर कोई अमेंडमेंट है या किसी स्टेट के ऊपर कोई एक्शन लेना है, जब तक कि
उसके द्वारा ये ना लिखा गया हो साफ साफ कि स्टेट के ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, तब तक स्टेट के ऊपर यह एक्शन नहीं लिया जा सकता। ठीक है, पहली बात तो ये थी, मतलब समझ में आया कि जो संवैधानिक निर्वाचन है वो बाध्यकारी होता है कुछ मामलों में, सभी में नहीं, लेकिन जो अन्य विधिक स्रोत हैं वो सभी मामलों में बंधनकारी होते हैं, वो सर्वोच्च होते हैं, इनके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं होता। बात नंबर दो अगर हम करें कि विधि के नियम और निर्बंधनों के नियमों में अंतर क्या होता है, जो विधि के नियम है और निर्वचन के जो नियम है उनमें अंतर हम पढ़ेंगे। देखिए एक केस था, इसको ले लेते हैं हम लोग, सुपरिटेंडेंट एंड रिमेम्बरेसर ऑफ लीगल अफेयर्स बदाम कॉरपोरेशन, यानी कि सुपरिटेंडेंट एंड रिमेम्बरेसर ऑफ लीगल अफेयर्स बदाम कॉरपोरेशन ऑफ कलकत्ता। इस केस में जो मेन बात थी वो ये थी कि राज्य भी अपने द्वारा निर्मित विधियों से उसी तरह से बाध्य है जिस तरह से एक आम आदमी या एक आम व्यक्ति बाध्य है। हाँ, जब तक विधि ने स्वयं उसकी बाध्यता का अपवर्जन ना किया हो, यानी कि अगर किसी व्यक्ति की बाध्यता को अपवर्जन यानी कि उसको वापवर्जित ना किया गया हो, तब तक उसको उसके ऊपर कोई भी बाउंडेशंस नहीं लगाई जा सकती। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम विधि शास्त्रीय दृष्टिकोण की बात करेंगे, जो विधि के नियम हैं वो निर्वचन के नियमों से अलग होते हैं। विधि के नियम जो किसी संविधि में उपलब्ध हैं वे स्वयं विधि हैं, जो विधि के नियम हैं किसी संविधि में उपलब्ध होते हैं वे अपने आप में नियम होते हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि विधि के नियम संविधि के अर्थान्वयन को नियंत्रित करते हैं, जो संविधि के अर्थान्वयन है यानी कि इंटरप्रिटेशन है उसको विधि के नियम कंट्रोल करते हैं, ये नहीं कहा जा सकता। ठीक है, विधि के नियमों की जो बाध्यकारी शक्ति होती है, जो विधि के नियम है वो बाध्यकारी शक्ति रखते हैं, व्याख्या के नियम बाध्यकारी शक्ति नहीं रखते, बल्कि वो प्रेरणादायक शक्ति रखते हैं, वो प्रेरणादायक होते हैं। यानी कि जो निर्वचन के नियम हैं वो प्रेरणादायक होते हैं और विधि के नियम जो है वो बाध्यकारी होते हैं। तो इसमें ये चीज समझ लेना बहुत जरूरी है, और इससे हमने एक केस लॉ की मदद से आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे जो संविधि के निर्वचन में न्यायालयों का जो कर्तव्य होता है वो क्या होता है। देखिए इसको समझते हैं सबसे पहले कैसे, कि जो न्यायालयों का जो प्राथमिक कर्तव्य है वो ये है कि कानूनों की व्याख्या करते समय विधायिका के वास्तविक आशय को समझे, कि विधायिका का वास्तविक आशय क्या है और उसके अनुसार ही कार्य करें। सही अर्थों में एक न्यायाधीश कानून का निर्माण नहीं करता, बल्कि मौजूदा कानून के परिप्रेक्ष्य में वो किसी विचाराधीन मामले के विशिष्ट सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। यानी कि जो विधायिका द्वारा प्रदान किया गया नियम है उसके जो नियम है उनको जो है फॉलो करता है। यहाँ पर एक ब्लैक स्टोन या ब्लैक मिस काला स्टोन मिस पत्थर, ये काला पत्थर नहीं है, नाम है इनका ब्लैक स्टोन। ठीक है, तो ब्लैक स्टोन का मतलब ये विधि विशेषज्ञ हैं, इन्होंने बताया है कि न्यायाधीश जो है विधि के संचायक है। ये विधि के संचायक का मतलब होता है विधि के डिपोजिटर, वो विधि को जमा करते हैं वे, यानी कि कौन, न्यायाधीश, मामलों के निस्तारण के दौरान कानून के संशय को दूर करते हैं। मान लिया अगर कोई कानून में संशय होता है तो उसको दूर करने का कार्य करते हैं और विधि के प्रावधानों के अंतर्गत निर्णय देते हैं। जो विधि के प्रावधान होते हैं, प्रोविजंस होते हैं, उनके अंदर में वो निर्णय प्रदान करते हैं और न्यायिक निर्णय ही भविष्य में विधिक सिद्धांतों के रूप में जाने जाते हैं। जो न्यायिक निर्णय होते हैं, एडजुडिकेशंस होते हैं, वो ही विधिक सिद्धांतों के रूप में जाने जाते हैं और सामान्य विधि का भाग बन जाते हैं। आपने मोस्टली देखा होगा कि कई बार जब कोई मजिस्ट्रेट महोदय किसी विधि की, मजिस्ट्रेट या कोई लॉयर जो है विधि की जो है कोई पॉइंट नहीं मिल पाता, तो केस लॉ के माध्यम से कि उस केस में ऐसा हुआ था, तो केस लॉ के माध्यम से मामले को निर्णीत कराने का प्रयास करते हैं। यानी कि ये वही निर्णय होते हैं जो न्यायाधीशों के द्वारा किसी मामलों में दिए गए होते हैं। तो अब हम बात करेंगे, देखिए संविधि के जो निर्वचन होता है उसके सामान्य नियम, यहाँ पर हमने न्यायालय के कर्तव्य पढ़े, अब वो सामान्य नियम जो होते हैं उसके इंटरप्रेट करने के उसके क्या होते हैं, यानी कि किस तरीके से
जो लॉ है, स्टैट्यूट है, उसको इंटरप्रेट किया जाएगा। सबसे पहली बात है कि जो व्याकरणिक, जो ग्रामेटिकल चीजें हैं, ग्रामेटिकल निर्वचन करना, यानी कि जो चीज जैसी है उसका सही और शुद्ध और स्वाभाविक उस चीज को अर्थ दिया जाना चाहिए। यानी कि पहला जो हम बात करेंगे, जो नियम है वो है ग्रामेटिकल यानी कि व्याकरणिक निर्वचन। पहला है जो निर्वचन के नियम है, व्याकरणिक निर्वचन, ठीक है, वचन यानी कि ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। और दूसरा हमारा जो होता है, दूसरा होता है कि जो न्यायालय है, विधायिका का आशय कानून के, कानून में उसके द्वारा प्रयुक्त शब्दों से ही प्राकृतिक अभिप्राय के आधार पर ज्ञात करेगा। जो प्राकृतिक आशय है उसका, प्राकृतिक जो मतलब है उसी से उसको प्राप्त करना चाहिए, ठीक है। इसे हम कहते हैं स्वर्णिम नियम। दूसरा हमारा होता है स्वर्णिम, दूसरा हमारा होगा स्वर्णिम नियम। स्वर्णिम नियम का मतलब यह है कि भाई जो विधि है, इंटरप्रेट है, वो इस तरीके से किया जाना चाहिए कि अगर किसी के साथ कोई अन्याय हो रहा है तो उस अन्याय को रोका जाना, यानी कि अगर शब्दों के उचित अर्थ नहीं मिल रहे हैं, कोई बात नहीं मिल रहे, ना मिलो, लेकिन किसी के साथ में अन्याय ना हो, उसको रोकना, इसलिए इसको स्वर्णिम नियम कहा गया है। और तीसरी हम बात करते हैं सामंजस्यपूर्ण निर्वचन की। जो सामंजस्यपूर्ण निर्वचन होता है, इसका मतलब क्या होता है, जब कानून में एक से अधिक प्रोविजंस हों, यानी कि उपबंध हों, और वो एक दूसरे के लगभग समान से दिख रहे हों, लेकिन उनका जो अर्थ निकल के आता है वो एक दूसरे पर विरोधी, मानी के अपोजिट प्रभाव डालते हैं, तो वो जो नियम होते हैं वो सामंजस्यपूर्ण निर्वचन के नियम कहलाते हैं। और इसमें एक नियम ये है कि निर्वचन का जो सामान्य नियम है वो ये है कि कानून को संपूर्ण रूप में पढ़ा जाना चाहिए। मतलब अगर कोई बात है, अगर उसको आधी अधूरी पढ़ करके कोई न्याय निर्णय किया जा रहा है माननीय न्यायालय के द्वारा, तो वहां पर क्या होगा कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है, ठीक है। और अगली बात यह है कि कानून का सही निर्वचन करते समय यह जानना जरूरी है कि अधिनियम को पारित करने से पहले कॉमन लॉ क्या था, और यानी कि जिसके आधार पर वो निर्णय दिया जा रहा है, उससे पहले कोई प्रावधान था या नहीं था, तो उसके लिए क्या उपचार था अगर ऐसा होता था। तो ये हमारा रिष्टि का नियम कहा जाएगा, यानी कि मिसचीफ लॉ। इसमें क्या होता है कि कभी किसी निर्णय को निर्णीत करते समय न्यायालय को कठिनाई आती है, तो वहां पर ये देखता है कि अगर न्यायालय को लगता है कि ये व्यक्ति निर्दोष है, लेकिन उसके सामने कोई ऐसी चीजें आ रही हैं कि वो उसको दोषी सिद्ध कर रही है, तो उस दशा में वो देखेगा कि अगर जिस समय ये लॉ नहीं था उस समय कैसे फैसले होते थे, तो उन चीजों के आधार पर भी वो निर्णय दे सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे। और एक चीज और मानी जाती है, अगर कोई कानून होता है उसकी सही व्याख्या वो होती है जो तत्कालीन विशेषज्ञ ने दी हो, पहले जो नवीन विचारधारा है वो उसका जो है सही व्याख्या मानी जाती है। और दूसरी बात दोस्तों, जहां पर दो अनुकल्प निर्वचन हो वहां पर न्यायालय उस अर्थ को चुनेगा जो उस पद्धति को, जिस हेतु उस कानून को बनाया गया है, बनाए रखकर कार्य करता हो, यानी कि कानून की गरिमा को बनाए रखकर उस कार्य को करता हो। तो ये कुछ एक सीमाएं होती हैं हमारे संविधान के निर्वचन के, जो कानून, जो सामान्य नियम है ये होते हैं कि भाई व्याकरणिक निर्वचन होना चाहिए, कि जो इंटरप्रिटेशन है ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन जो है उसको सही अर्थों में प्रयोग किया जाए, स्वर्णिम नियम यानी कि अगर किसी के साथ में अन्याय हो रहा हो तो उसको रोके, और सामंजस्यपूर्ण निर्वचन यानी कि अगर विभिन्न विधि के जो उपबंध है उन दोनों में कोई सामंजस्य बैठाना, यानी कि ताकि सही निर्णय हो सके। और रिष्टि का नियम यानी कि कोई मिसचीफ लॉ, यानी कि पूर्व में निर्णय कैसे होते थे वो सारी चीजें जानना, और जो कोई ऐसा दस्तावेज जो उसकी सही व्याख्या करता हो, जो किसी तत्कालीन विशेषज्ञ ने प्रदान की हो, ये सारी चीजें हमारे जो है संविधान के इंटरप्रिटेशन के जो कॉमन लॉ होते हैं उसके अंदर में आती है, नियम में आती है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया। इसके अंदर में टोटल 13 चैप्टर हैं, और
इसमें टोटल 13 लेक्चर्स ही हमारे कंप्लीट होंगे। इसमें ना तो आपने यूनिक देखना है ना कुछ देखना है, पूरा किताब से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप तुरंत उसको सॉल्व कर दोगे। इसलिए बेहद ध्यान से अभी से इसको लेके चला, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोज ये चल रही हैं, ठीक है। और कमेंट वमेंट करते रहना, लाइक वाइक कर देना, ठीक है। और नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अब चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।